क्या वो बिहार उनका है, क्या बिहार के वो राजा है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर्स हैं, क्या वो शराब नहीं पीते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं क्या वो शराब नहीं पीते हैं, क्या वो हैवान है, बॉर्डर पे जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत होती है इस तरह का काम करना, क्या वो हैवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मंच से ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो शराब का सेवन करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो बिहार ना है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। राजद के प्रवक्ता इजा यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था, वो क्या समझते हैं बिहार उनका है। काफ़ी गुस्से में दिख रही थी इजा यादव और क्या कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जरा आप वो सुनिए। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है, क्या वो बिहार उनका है, क्या बिहार के वो राजा है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो पब्लिक ओपिनियन ले, ठीक है शराब मंदी नशा मुक्ति के खिलाफ हम लोग सब हैं, लेकिन एक डिक्टेटरशिप वाला वो बयान न दें। बिहार के जो की जो जनता है उन सबका बिहार है, सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार नहीं है कि एक डिक्टेटरशिप वाला बयान दे रहे हैं। शराब ये उनका निजी ओपिनियन हो सकता है, क्यों आप जो बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर्स हैं क्या वो शराब नहीं पीते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं क्या वो शराब नहीं पीते हैं, क्या वो हैवान है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, जो डिफेंस के लोग हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जो बॉर्डर पे जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत होती है इस तरह का काम करना, क्या वो हैवान है, इस तरह की टिप्पणी से वो ना करें। शराब ठीक है, बिहार में शराब बंदी है, अच्छी बात है, बिहार नशा मुक्त हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन डिक्टेटरशिप वाला वो बयान ना दे। अरे अभी कोरोना काल है, थर्ड वेव आया है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं इस पर ना वो बताएं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री जी होना ही नहीं चाहिए था, चंद विधायकों के साथ वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और बात सही है अगर मांझी जी हट जाए तो उनकी कुर्सी तो डावाडोल हो ही जाएगी, वो अकेले थोड़ी है बीजेपी के बैसाखी पे चढ़ के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए स्वागत करना नहीं करना ये जनता का काम है, हम लोग बिहार की जनता हैं और बिहार डिसाइड करेगी उनको उनका स्वागत करना है या नहीं करना। तो आपने सुना इजा यादव को, जो बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसको लेकर किस तरीके से इजा यादव का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को राजा समझ बैठे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है वो नाखुश है। खैर लाइव स्ट्रीम्स के साथ बने रहें, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वो बिहार उनका है, क्या बिहार के वो राजा है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर्स हैं, क्या वो शराब नहीं पीते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं क्या वो शराब नहीं पीते हैं, क्या वो हैवान है, बॉर्डर पे जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत होती है इस तरह का काम करना, क्या वो हैवान है।